जेएमसी के मौजूदा इंतखाबात के सिलसिले में फेहरिस्त रायदिंदगान को खतियत देने रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थ साहती ने आज एक कुल जमाती इजलास तलब किया था। बेशतर जमातों के कायदीन ने फेहरिस्त पर गौर करने के लिए उन्हें कुछ वक्त देने की मांग की और बताया कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बहुत कम वक्त दिया है। उनका ये भी एहसास था कि मुकम्मल फेहरिस्त की तैयारी के बाद ही मुनसिफाना और आजादाना इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। इजलास में कांग्रेस के एम शशिधर रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली मजलिस के अमीनुल हसन जाफरी एमएलसी, बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एम रामचंद्र रेड्डी और सीपीआई के सी वेंकट रेड्डी शरीक थे। बवसुख जराये से मालूम हुआ कि आज के इजलास की रुदात को लेकर रियासती काबीना के कल के इजलास में गौर खोज किया जाएगा। मालूम नहीं हुकूमत क्या फैसला ले ले। स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो आज मीटिंग हुई, हमने हमारी पार्टी की तरफ से जो कुछ भी सुझाव देना था हमने लिख कर दिया है। उनमें सबसे अहम बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई में सही तरीके से इलेक्शन करवाना चाहती है तो उसके लिए सबसे अहम होगा सही वोटर लिस्ट। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है, पोलिंग स्टेशन 7 तारीख को वोटर लिस्ट बल्क वोटर लिस्ट दे दिया है, पोलिंग स्टेशन का उसमें कोई तफसील नहीं है। गाँव में जब वार्ड कट होता है तो वार्ड में 50-100 वोटर्स भी रहते हैं तो वहाँ पर मालूम हो जाता है, लेकिन 50, 60, 70, 80 हज़ार से भी ऊपर जो वोटर्स हैं एक आप बल्क में एक कट्टा हमको दे देते हैं, बंडल बांध के देते हैं, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन नामुमकिन है। इसीलिए सबसे पहले, और दूसरी चीज़ यह है कि इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर्स लिस्ट को वोटर्स को 1000 से बढ़कर तादाद में नहीं होनी चाहिए एक पोलिंग स्टेशन में। उसके हिसाब से अभी जो असेंबली के पोलिंग